हाय माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल रिचा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। और इस चैनल में आज हम लोग क्लास 12 का केमिस्ट्री मेटलर्जी का थोड़ा क्विक रिवीजन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये चैप्टर जो कि बहुत बच्चों को बोरिंग सा लगता है, तो इसको हम कैसे पॉइंट वाइज करके इंटरेस्टिंग बना सके, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग कि इसमें डेफिनेशंस किसकी पढ़नी है, किसका हम लोगों को कंसेप्ट जानना है और इसमें किस चीज का हम लोगों को रिएक्शंस वगैरह देखना है। तो हम लोग सबसे पहले इस में आ रहा है कि मिनरल ओर और गैंगी, इस चैप्टर में आ रहा है कि मिनरल ओर गैंगी का डेफिनेशन आप याद करेंगे कि ये होते क्या है। मिनरल और गैंगी सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। गैंगी आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द ओर, जिस सब्सटेंस से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करेंगे, मेटल निकालेंगे प्रॉफिटेबली एंड इजीली। थोड़ा चीपर होना चाहिए और इकोनॉमिक होना चाहिए, और मतलब ऐसे जगह से हम लोग मेटल नहीं निकालेंगे जो इकोनॉमिकली ना हो, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए, इजी नहीं है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, तो और हम लोग वैसे निकाल वी डू नॉट एक्सट्रैक्ट। और इज दैट काइंड ऑफ थिंग जहां मिनरल से हम लोग और मिलती है, और से मिनरल नहीं मिलती है। यानी अगर आपको ये चीज समझाऊं कि आपके बैग के भीतर पेंसिल बॉक्स है और पेंसिल बॉक्स के भीतर बैग नहीं है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि डज योर बैग, एवरी बैग हैज पेंसिल बॉक्स और एवरी पेंसिल बॉक्स हैज बैग इन इट, तो कौन सा सही है आपका ये दोनों में से, कि हर एक बैग के भीतर पेंसिल बॉक्स है और हर एक पेंसिल बॉक्स के भीतर बैग है। द थिंग इज हर एक बैग के भीतर आपका पेंसिल बॉक्स है। तो हर एक मिनरल में आपको ओर मिलेगी जिसमें से हम लोग मेटल निकालेंगे, लेकिन वही ओर से हम मेटल निकालेंगे जो हम लोगों के लिए इकोनॉमिक प्रॉफिटेबल होगा, और ओर के भीतर जो इम्प्योरिटी होगा उसको हम लोग बोलते हैं गैंगी पार्टिकल, जिसको हम लोग को रिमूव करना है। तो ये तीनों चीज का आपको एनसीईआरटी से डेफिनेशन जानना है। इसके बाद आपको करना है कि ये जो मिला मुझे ओर, उस ओर को मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, कॉन्सेंट्रेटन ये नहीं कि हम ओर देखते रहेंगे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेट यानी हम लोग को इसमें जो भी गैंगी पार्टिकल्स है उसको रिमूव करना है, उसको हटाना है जितना हो सके। तो इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में दो मेथड्स है, एक तो आपका फिजिकल मेथड हो गया और एक आपका केमिकल मेथड हो गया। फिजिकली आप किस चीज कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, और केमिकल मेथड जिसमें आप रिएक्शन वगैरह करके किसको रिमूव कर सकते हैं। तो फिजिकल मेथड्स में जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाइड्रोलिक और ग्रेविटी वॉशिंग, दूसरा है फ्लोटेशन प्रोसेस, तीसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। तीनों प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फ्लोटेशन प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिक या ग्रेविटी वॉशिंग में आपका क्या होता है, ये प्रोसेस की प्रिंसिपल क्या है अगर आप जान लेंगे तो आप खुद ही बना के लिख सकते हैं। हाइड्रोलिक या ग्रेविटी वॉशिंग होता है कि ओर, जो ओर है उसको हम लोग बहुत ऊंची हाइट से एक स्लोप के फॉर्म में नीचे गिराया जाता है, यानी नीचे स्लोप डाउन किया जाता है। कौन? ओर को। बड़ी सी हाइट है, हाइट से यहाँ पे ओर को जस्ट स्लोप डाउन करके नीचे गिराया जाता है। नीचे गिराते वक्त ग्रेविटी सबको अलग तरह से टांग रही है बिकॉज ऑफ द डेंसिटी डिफरेंस। तो ओर और गैंगी का चूंकि डेंसिटी में डिफरेंस है तो दोनों अलग तरह से नीचे आएंगे। ओर ज्यादा हैवी है और इम्प्योरिटी थोड़ा लाइट है, तो इम्प्योरिटी में भी वॉश्ड होगा, इम्प्योरिटी वॉश्ड हो जाएगा अपने आप निकल जाएगा, और गैंगी चूंकि बहुत हैवी है, बहुत भारी है, तो वो नीचे गिर जाएगा। तो हाइड्रोलिक और ग्रेविटी वॉशिंग में आपको प्रिंसिपल ये पढ़ना है कि दिस इज सेपरेटेड ड्यू टू द डिफरेंस इन द डेंसिटी एंड ग्रेविटी सेपरेशन। दिस इज योर प्रिंसिपल, और आगे इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। फ्लोटेशन प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस प्रोसेस में आपको फ्लोट बना के चीजों को अलग किया जाता है। फ्लोट यानी जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं झाग, फोम बना के उनको अलग किया जाता है। तो कैसे होता है, एक बड़ी सी टैंक में ओर और गैंगी है, ओर और गैंगी के साथ दो चीज और डालते हैं, ऑयल प्लस वाटर। तो मेरी चार चीजें क्या हो गई, ओर था, ओर के साथ गैंगी था, और नई चीजें हमने क्या डाली, तेल, पानी, ऑयल, वाटर। प्रिंसिपल ये है कि ओर के साथ मिक्स होगा ऑयल, इंप्योरिटी के साथ मिक्स होगा वाटर, ठीक है।
मैंने तो फिर मैंने क्या किया, जो हो गया मैंने मिटा दे रही हूँ, हटा दे रही हूँ जो काम का नहीं है। तो एक टैंक है, उस टैंक में मैंने क्या डाला, और गैंगी ऑयल वाटर। अब ऑयल और एक साथ मिक्स हो रहा है, गैंगी और वाटर एक साथ मिक्स हो रहा है, तो ये चारों जन यहाँ पे है मान लीजिए। उसमें हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे फ्रॉट बनाने वाला चीज, जो झाग बनाएगा फ्रॉट बनाने वाला चीज। तो जैसे ही फ्रॉट बनेगा, फ्रॉट बनते ऊपर कुछ फ्रॉट डेवलप होंगे, नीचे एक पैडल टाइप का चीज रहता है, पैडल जो घूमता रहेगा, जिस पैडल के कारण, रोटेटिंग पैडल के कारण झाग और ज्यादा होगा। अब ओर और ऑयल ऊपर फोम में रहेगा, गैंगी और वाटर नीचे पानी में ऐसे रहेगा। इन लोग में हम लोग और दो तीन चीजें डालेंगे, उसका नाम है फ्रॉट स्टेबिलाइजर, कलेक्टर, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट आप बाद में समझिए, पहले समझिए फ्रॉट स्टेबिलाइजर क्या है। नाम से समझ में आ रहा है, फ्रॉट स्टेबिलाइजर यानी जो फोम को स्टेबिलाइज करके रखेगा, जो फोम को बना के रखेगा, ताकि फोम धीरे 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 फिर नीचे ना चले जाए। जो मेरा मेन काम था कि यहाँ पे ओर और ऑयल रहेगा और नीचे मेरा रहेगा गैंगी प्लस वाटर, इन दोनों को अलग करना है। दैट इज, दैट मीन्स ओर और ऑयल, ऑयल को फोम में बना के रखना पड़ेगा। तो ओर और ऑयल को बना के रखने के लिए हम लोग डालेंगे फ्रॉट स्टेबिलाइजर। और फ्रॉट स्टेबिलाइजर का एग्जाम्पल आप लोग पढ़ना पड़ेगा पाइन ऑयल, ओके, पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स। तो फ्रॉट स्टेबिलाइजर के कुछ एग्जाम्पल्स, और फ्रॉट स्टेबिलाइजर क्या होता है, जो फ्रॉट को स्टेबिलाइज करके रखता है। कलेक्टर, कलेक्टर हम लोग डालते हैं, कलेक्टर भी एड टू एनहेंस नॉन वेटाबिलिटी, नॉन वेटाबिलिटी ऑफ ओर। नॉन वेटाबिलिटी का मतलब भीगने ना दे, किसको भीगने ना दे, ओर को, कि ओर कोई भी हालत में नीचे ना आ जाए। इसकी नॉन वेटाबिलिटी पावर को बढ़ाता है कि ये वेट होके पानी में ना मिक्स हो जाए। तो ओर में, ओर में जो भी पोलर पार्ट रहेगा, ओर में जो भी पोलर पार्ट रहेगा, कलेक्टर डालने से, कलेक्टर डालने से ये पोलर पार्ट को बंद कर देता है, इसका मुंह बंद कर देता है। इसका मुंह बंद कर दिया तो पोलर वाटर के साथ मिक्स नहीं होगा और ये ऊपर ही रहेगा। तो कलेक्टर इंक्रीजेस और एनहांसेस द नॉन वेटाबिलिटी ऑफ द, नॉन वेटाबिलिटी ऑफ दिस फोम, दैट इज ओर एंड ऑयल का नॉन वेटाबिलिटी पार्ट को बढ़ाता है। इसके एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ना है सोडियम सल्फेट, पाइन ऑयल, फैटी एसिड्स, तो ये दो एग्जाम्पल्स जानना है। तो दिस इज योर प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में फोम ऊपर रह गया, गैंगी वाटर नीचे रह गया। जब फोम पूरा अच्छे से बन गया तो ऊपर से स्कीम्ड ऑफ कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे ओर और ऑयल को, और नीचे गैंगी और वाटर जो बच गया लास्ट में एक आउटलेट करके यहां से गैंगी और वाटर यहां से निकाल दिया जाता है। तो दिस इज ओर, यहां से हम लोग इंसर्ट किए, रोटेटिंग पैडल था, फ्रॉट स्टेबिलाइजर डाले, फोम बना, कलेक्टर डाला ताकि ऊपर ही फोम रहे। डालने के बाद ऊपर जब देखे कि हाँ प्रोसेस बहुत स्टेबिलाइज हो चुका है, तो ऊपर स्कीम डाउन जैसे मलाई निकाल लेते हैं दूध से, वैसा ओर और ऑयल को निकाल दिए गए, और गैंगी और वाटर का एक आउटलेट करके यहां से अलग आउटलेट कर दिए। तो दिस इज सेपरेटेड, गैंगी और ओर अलग हो गया। अब डिप्रेसेंट, जो वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिप्रेसेंट भी डालता है और डिप्रेसेंट का एग्जाम्पल भी पूछता है। इस प्रोसेस में, फ्रॉट फ्लोटेशन प्रोसेस में, फ्रॉट फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग कौन सा ओर को सेपरेट करते हैं, हम लोग सल्फाइड ओर को सेपरेट करते हैं। सल्फाइड ओर का इंप्योरिटी को निकालते हैं, जैसे ZnS हो गया, PbS हो गया, ठीक है, कोई भी सल्फाइड का ओर, मरकरी सल्फाइड, एनी सल्फाइड ओर आर सेपरेटेड, दैट इज इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड। तो डिप्रेसेंट हम ऐड करते हैं, मान लीजिए हमारे पास दो सल्फाइड ओर है, तो दोनों सल्फाइड ओर उस फॉर्म में बनेंगे, वो जो टैंक में फॉर्म बन रहा था उस फॉर्म में दोनों सल्फाइड ओर रहेंगे। तो यानी दो ओर मेरे मिक्स होकर रहेंगे, तो क्या करेंगे, तब तो मेरे पास और मुश्किल हो गया कि दो दो मेटल के ओर एक साथ आ गए। तब हम लोग करेंगे डिप्रेसेंट डालेंगे, दैट मीन्स किसी को डिप्रेस कर देगा ये, इनमें से डिप्रेसेंट एक जन को डिप्रेस कर देगा, यानी इसका, इसको नीचे ही रखेगा गैंगी के साथ, और एक जन को एनहांस करेगा ताकि फोम बनाए। तो डिप्रेसेंट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेस और एनहांसेस द फ्रॉटिंग पोस्ट प्रोसेस ऑफ वन ओर एंड डिप्रेसेस द अदर
अदर और टू फॉर्म फ्रॉड, मतलब एक को फ्रॉड बनाने से रोकेगा, दूसरे को फ्रॉड बनाने से एनहांस करेगा, ये इसका लॉजिक। तो डिप्रेशन सब टाइम सबका अलग होता है। एग्जाम्पल पढ़ लेना, NaCN पढ़ लेना, सोडियम साइनाइड, लेड सल्फाइड और जिंक सल्फाइड के लिए NaCN इंपॉर्टेंट है। इनमें डिप्रेशन आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि NaCN किसको फ्रॉड बनाता है और किसको बनाने से रोकता है। तो ये फ्रॉड स्टेबिलाईजर को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, NCERT में जस्ट वन पैराग्राफ है, लेकिन वन पैराग्राफ में आपको काफी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद आपका है मैग्नेटिक सेपरेशन, कि आप मैग्नेटिक प्रोसेस से कैसे सेपरेट करेंगे। मैग्नेटिक प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। मैग्नेटिक प्रोसेस में एक ऐसे मैग्नेटिक प्रोसेस में आपका एक कन्वेयर बेल्ट जैसा रोटेट करता रहता है, एक बेल्ट रोटेट कर रहा है। मान लीजिए जब आप कहीं, अगर आप फ्लाइट लाइट में कभी गए हैं तो आप देखे हैं कि जब सामान हम लोग डालते हैं सूटकेस वगैरह, तो एक बेल्ट में करके वो दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, दैट इज बेल्ट। उस टाइप की एक बड़ी स्ट्रिप की बेल्ट घूमती रहती है। यहाँ पे ओर और गैंगी डालने का जगह है, यहाँ पे फिर ओर और गैंगी घूमेगा। इस घूमते वक्त यहाँ पे नीचे एक मैग्नेट लगाया हुआ है, तो मैग्नेट लगाने का काम है ओर या गैंगी, दोनों में से किसी एक मैग्नेट से चिपकेगा, यानी अट्रैक्ट होगा और दूसरा वाला अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ओर और गैंगी जब घूम रहा है, ओर और गैंगी जब घूम रहा है, तो मान लीजिए ओर मैग्नेट से अट्रैक्ट किया, तो मैग्नेट से अट्रैक्ट करते ही ओर यहाँ पे अट्रैक्ट करके नीचे गिर गया, मैग्नेट से अट्रैक्ट हुआ। और इम्प्योरिटी चूंकि अलग हो गया, तो इम्प्योरिटी भी अलग निकल जाएगा, इम्प्योरिटी को अलग कलेक्ट करेंगे। तो इसका प्रोसेस ये है कि वन आइदर द ओर और द गैंगी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट एंड द अदर इज नॉट अट्रैक्टेड बाई द मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग हो गया कि एक जगह मैग्नेट से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ गिर जाएगा, दूसरा अट्रैक्ट नहीं करेगा तो दूसरी जगह चला जाएगा। एक मैग्नेट रख दे, ओर आ रहा है, गैंगी आ रहा है, ओर पसंद कर लिया गैंगी मैग्नेट को, लग गया, इम्प्योरिटी पसंद नहीं किया, अलग हो गया। तो दैट इज दिस प्रोसेस मैग्नेटिक सेपरेशन। ये तीन प्रोसेस फिजिकल मेथड के हुए। उसके बाद आपको जो चीज याद करनी है वो है आपका केमिकल मेथड्स मेटलर्जी में। तो केमिकल मेथड में आपका आता है लीचिंग साइनाइड प्रोसेस। लीचिंग हम लोग करते हैं बॉक्साइट, बॉक्साइट का ओर किसका होता है, एल्यूमिनियम का। तो एल्यूमिनियम हम लोग लीचिंग प्रोसेस से सेपरेट करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं। और साइनाइड प्रोसेस के लिए हम लोग गोल्ड और सिल्वर के लिए करते हैं। इन दोनों का आपको पढ़ना पड़ेगा, रिएक्शंस याद करना पड़ेगा। कि एल्युमिनियम में हम लोग जनरली, हमारे पास एल्युमिनियम दो टाइप, बॉक्साइट दो टाइप का होता है, एक होता है रेड बॉक्साइट और एक होता है हमारे पास व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट हमारे पास दो मेथड से अलग होती है, व्हाइट बॉक्साइट एक मेथड से अलग होती है। रेड बॉक्साइट दो मेथड है हमारे पास, एक होता है बेयर्स प्रोसेस और एक है हमारे पास बेयर्स के पास हॉल्स प्रोसेस। बेयर्स और हॉल्स में हम लोगों का कंसेप्ट यह है कि एक रिएजेंट डालेंगे, वो रिएजेंट सिर्फ एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और गैंगी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे बेयर्स प्रोसेस में हम लोग रिएजेंट डालते हैं, हॉल्स प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट हम लोग डालेंगे और इसमें हम लोग डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेयर्स प्रोसेस में। तो दिस आर रिएजेंट, ये रिएजेंट ऐड किया, किसने ऐड किया, मान लीजिए एल्युमिनियम ऑक्साइड है, दिस इज बॉक्साइट जिसमें आपका इंप्योरिटी है आयरन की इंप्योरिटी है, आयरन ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, एम्फोटेरिक नेचर का, एम्फोटेरिक मीन्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड इससे रिएक्ट करेगा, बेस के साथ इजिली रिएक्ट करेगा। लेकिन आयरन ऑक्साइड किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, तो बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये इम्प्योरिटी जो है रिएक्ट नहीं करेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा। तो इसका रिएक्शन से ये अलग हो गया, ये सेपरेट हो गया। सेम प्रोसेस फॉर दिस, सोडियम कार्बोनेट इज माई रिएजेंट, सोडियम कार्बोनेट एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन आयरन ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, सेपरेट हो जाएगा। और व्हाइट बॉक्साइड हम लोग अलग करते हैं सर्पेक्स मेथड से, सर्पेक्स मेथड जिसमें हम लोग का रिएजेंट है कार्बन नाइट्रोजन। बट एनसीईआरटी में आपका इतना दूर तक नहीं है, बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो बेयर्स और हॉल्स प्रोसेस का आप डायरेक्ट रिएक्शन उनको देख लीजिए कि कैसे रिएजन करके उनको अलग करते हैं। उसके बाद आपका साइनाइड प्रोसेस गोल्ड और सिल्वर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। गोल्ड और सिल्वर का साइनाइड प्रोसेस, अगर हम लोग उसमें साइनाइड के रिएजेंट डाल दे रहे हैं तो गोल्ड और सिल्वर उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के अलग हो जाएगा। इन दोनों का रिएक्शन तक कीजिए। इसके बाद ये जब कंसेंट्रेशन हो गया, अभी तक हम लोगों का मेटल का कंसेंट्रेशन हुआ, दैट इज हम लोग किस चीज को अलग किए, इम्प्योरिटी को अलग किए। अब इम्प्योरिटी को अलग करने के बाद हम लोग जाते हैं कि अब मेरे पास बच गया है सिर्फ ओर। सिर्फ ओर का मतलब हो गया और कुछ भी हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, मैं आपको एक नीचे दिए गए लिंक में एक पीडीएफ भेज रही हूँ। पीडीएफ में आपको दिया हुआ है कि किस मेटल का क्या ओर का नाम है। सब ओर अलग अलग, कोई कार्बोनेट ओर होता है, कोई सल्फाइड ओर होता है, कोई हैलाइड का ओर होता है, सब ओर अलग होते हैं। तो आप ओर के नाम याद कर ले, जैसे एल्यूमिनियम का बॉक्साइट अभी मैंने कहा, ठीक है। कोई कोई कार्बोनेट का ओर होता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कोई सल्फाइड का ओर होता है जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड। तो यहाँ पे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन हम लोग करते हैं। इन दोनों का काम यह है कि दोनों जन ऑक्साइड में कन्वर्ट करवाता है। रोस्टिंग होता है सल्फाइड का ओर और कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट का ओर। रोस्टिंग में सल्फाइड से ऑक्साइड जाएंगे, कैल्सिनेशन में कार्बोनेट से ऑक्साइड जाएंगे। रोस्टिंग में एक्सेस एयर की जरूरत होती है, कैल्सिनेशन में एक्सेस एयर की जरूरत नहीं होती है। तो डिफरेंस क्या है रोस्टिंग में, एक्सेस एयर, एक्सेस ऑक्सीजन, और इसमें एब्सेंस, नो एयर। ये कार्बोनेट से ऑक्साइड, सल्फाइड से ऑक्साइड, ठीक है। इतना सब को पढ़ना है। और कैल्सिनेशन का और भी एक एडवांटेज है कि अगर हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड को भी ऑक्साइड में लेके जाता है। अगर कोई वाटर वाला चीज है हाइड्रेटेड तो उसको भी रिमूव करता है, वोलेटाइल के फॉर्म में। तो कैल्सिनेशन हैज एडवांटेज, रोस्टिंग हैज आल्सो इट्स एडवांटेज। इन लोग का क्या प्रोसेस है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना है ऑक्साइड टू मेटल। आप ऑक्साइड में तो पहुंच गए, अब इस ऑक्साइड से आपको जाना है इस मेटल में। तो इस ऑक्साइड से इस मेटल में जाने का प्रोसेस है रिडक्शन। रिडक्शन कितनी टाइप की हो सकती है। रिडक्शन हो सकता है वाया एडिंग कोक, दैट इज कार्बन, वाया इलेक्ट्रिक मेथड, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी पास करके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी चीज को डिस्प्लेस करके बाय एल्यूमिनियम, और एक सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो रिडक्शन ये चार टाइप की हो सकती है। इन चारों टाइप में सबसे पहला कोक, कि अगर कोई ऑक्साइड में, किसी ऑक्साइड में हम कार्बन डाल देते हैं तो कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो कोक वाला एग्जांपल आप देख लेना कि कार्बन वाला क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक मेथड में जनरली आपका एल्यूमिनियम वाला जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक मेथड के थ्रू आपका अलग होगा। इलेक्ट्रिक मेथड में जैसे एल्यूमिनियम का ओर है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो बॉक्साइड वाला मेथड है, उसमें आपको इसमें दो चीज और डालना पड़ेगा, एक है क्रायोलाइट, एक है फ्लोर स्पार। क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार हम लोग डालते हैं, यहाँ यूज ऑफ क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार लिख लेते हैं कि क्यों डालते हैं हम लोग। तो क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार, क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार हम लोग डालते हैं नंबर ए टू डिक्रीज द एमपीटी, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीज करने के लिए सब्सटेंस की, ताकि इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट पर जाकर उनको हीट ना कर पाए। और दूसरा हम लोग डालते हैं इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी, इंक्रीजिंग द, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। दो चीज हम लोग को डालना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। तो ये इलेक्ट्रिक मेथड हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय एल्यूमिनियम, किसी चीज को अगर एल्यूमिनियम के साथ डिस्प्लेस कर दे तो आयरन अलग हो जाएगा, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्साइड बन जाएगा। मतलब मेटल ऑक्साइड में एल्यूमिनियम डाल देंगे,
मेटल ऑक्साइड में एल्यूमिनियम डाल देंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा, मेटल अलग निकल के आ जाएगा। इस प्रोसेस में हम लोग जनरली इसको हम लोग बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस या थर्मिट प्रोसेस, जिसमें हाई अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होता है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होता है। स्पेशली जो आयरन वाला रिएक्शन है, यानी आयरन ऑक्साइड में जब एल्यूमिनियम डालते हैं हम लोग, आयरन ऑक्साइड में जब एल्यूमिनियम डालते हैं, मान लीजिए आपका आयरन ऑक्साइड है Fe2O3, उसमें आप एल्यूमिनियम डालें तो इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और आयरन अलग हो जाएगा, तो आयरन मुझे मिल गया। इस रिएक्शन में जो आप सेपरेट किए हैं, इस प्रोसेस में आपका बहुत हीट रिलीज होता है, हीट, और इतना ज्यादा हीट रिलीज होता है कि हमारे काम आता है टू जॉइंट रेलवे ट्रैक्स या कोई क्रैक्ड मशीन पार्ट्स है, यानी वेल्डिंग के काम आता है। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वेल्डिंग प्रोसेस, थर्मिट वेल्डिंग प्रोसेस। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय एल्यूमिनियम, और उसके बाद हम लोग करते हैं सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन यानी जैसे कॉपर का ओर है, कॉपर सल्फाइड, तो कॉपर सल्फाइड वाले ओर में हम लोग कॉपर सल्फाइड से सबसे पहले हम लोग कॉपर ऑक्साइड में जाएंगे, क्या करके रोस्टिंग। कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड में कैसे जाएंगे, रोस्टिंग। देखिए रोस्टिंग में सल्फाइड से ऑक्साइड जाते हैं, तो कॉपर सल्फाइड Cu2S प्लस अगर हम लोग एक्सेस एयर में हीट करें तो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड Cu2O प्लस SO2 अलग हो जाएगा, दिस इज रोस्टिंग। अब नेक्स्ट प्रोसेस में कॉपर ऑक्साइड से हमको कॉपर चाहिए, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बनने के लिए रिडक्शन करना पड़ेगा, तो इसके रिडक्शन में, कॉपर ऑक्साइड के रिडक्शन में वापस यही कॉपर सल्फाइड ही ऐड कर देंगे, यानी सेल्फ रिडक्शन, खुद ही खुद को रिड्यूस करने के काम आ रहा है, दूसरा कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए ही नहीं, कॉपर ऑक्साइड में यही वापस डाल दिए तो सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा और कॉपर मिल जाएगा, बैलेंस करेंगे तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में, इन सब प्रोसेस में एक और इम्पॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जाननी पड़ेगी और बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला, कि अगर मान लीजिए आपका इस बीच में कोई इंप्योरिटी है, कैसा इंप्योरिटी है, कॉपर का ही मान लीजिए, कॉपर सल्फाइड में आपका इंप्योरिटी, मान लीजिए कि आयरन सल्फाइड मेरी इंप्योरिटी है, ठीक है, मुझे आयरन सल्फाइड को रिमूव करना है, तो आयरन सल्फाइड को हम कैसे रिमूव करेंगे। आयरन सल्फाइड को हम रिमूव करेंगे, एक प्रोसेस है जिसका नाम है फ्लक्स प्लस गैंगी इज इक्वल्स टू स्लैग। अब ये क्या है, बड़े टेंशन में कि ये सब क्या नाम आ गया, फ्लक्स, गैंग, गैंगी, स्लैग, कुछ भी नहीं है। इन प्रोसेस में क्या है, इस प्रोसेस में अगर कोई गैंगी पार्टिकल है, इनफ्यूजिबल मतलब जो जाए अभी तक नहीं गया, तो हम उसमें क्या करेंगे, फ्लक्स। फ्लक्स कैसे चूज करेंगे, अगर गैंगी मेरा बेसिक है तो हम फ्लक्स ऐड करेंगे एसिडिक, अगर मेरा गैंगी एसिडिक है तो हम ऐड करेंगे बेसिक फ्लक्स। तो फ्लक्स मेरे कितने टाइप के हो सकते हैं, एसिडिक, बेसिक, और एक फ्लक्स होता है न्यूट्रल, लेकिन पहले एसिडिक बेसिक का समझते हैं। एक ओर है, ओर के भीतर इंप्योरिटी मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड इज माय इंप्योरिटी यानी गैंगी। इसका नेचर क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का, मेटल ऑक्साइड, दैट इज बेसिक नेचर। तो हम इस बेसिक इंप्योरिटी को मिटाने के लिए हम एक फ्लक्स डालेंगे, किस नेचर का फ्लक्स डालेंगे, एसिडिक। तो कैल्शियम ऑक्साइड दैट इज गैंगी प्लस एक एसिडिक फ्लक्स डालेंगे, एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स मान लीजिए सिलिका SiO2, दिस इज एसिडिक फ्लक्स। और एसिडिक फ्लक्स क्या हो सकता है, P4O5, ये कोई भी एक डाल लेंगे, मान लीजिए सिलिकॉन ऑक्साइड डाल दीजिए, तो ये लोग दोनों मिलके कैल्शियम सिलिकेट बन जाएगा CaSiO3, दिस इज स्लैग, फ्यूजिबल सब्सटेंस, स्लैग। किससे बना, गैंगी और एसिडिक। उसका ऑपोजिट मान लीजिए कि आपका कोई एक ओर है,
जिसमें आपका इम्प्योरिटी सिलिका है, जैसे कॉपर का जो ओर रहता है, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट में गैंगी ये है, SiO2 गैंगी है, दिस इज गैंगी, तो हम क्या चूज करेंगे इसके लिए, एसिडिक है, एसिडिक के लिए फिर बेसिक गैंगी चूज, बेसिक फ्लक्स चूज करेंगे, तो फ्लक्स क्या चूज करेंगे हम, CaO फ्लक्स गैंगी, फ्लक्स फ्लक्स किस नेचर का हो गया, बेसिक या एसिडिक, दिस इज एसिडिक ए, दिस इज बेसिक बी, क्या बनेगा स्लैग, SiCaSiO3 स्लैग, तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज फ्लक्स, व्हाट इज स्लैग गैंगी, पूछ सकता है कि कॉपर वाले प्रोसेस में, कि कॉपर प्रोसेस में आप क्या कौन सा फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा, तो कॉपर में आपका सिलिका होता है गैंगी पार्टिकल, तो उसमें हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करेंगे तो कैल्शियम सिलिकेट बन के स्लैग होके अलग हो जाएगा, तो सब अलग अलग मेथड्स में अलग अलग गैंगी है अलग अलग नेचर का, उस हिसाब से फ्लक्स डाल के स्लैग बना के अलग करना पड़ेगा, इसमें आपको इसी प्रोसेस में कॉपर वाला में आपको कॉपर मैटी और कॉपर ब्लिस्टर ये दो चीज पढ़ना पड़ेगा, कि कॉपर मैटी इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फाइड एंड आयरन सल्फाइड एंड कॉपर ब्लिस्टर कॉपर इज अ प्योर इम्प्योर कॉपर, मीन्स जो रिडक्शन करके हमको मिल रहा है कॉपर उसको हम लोग बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर, या तो एनसीईआरटी की बुक में कुछ कुछ पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, यहां तक वो आपका क्या प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस के बाद हम लोग जाएंगे रिफाइनिंग में, रिफाइनिंग कैसे करते हैं, आप थक तो नहीं गए, थक गए तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा घूम के आइए 5 मिनट, वीडियो को फिर से दोबारा वॉच लेटर बोल के एक ऑप्शन होता है, वॉच लेटर कर दीजिए आप, फिर दोबारा उसको देख लीजिए, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आप ये वीडियो पूरा एक साथ आप देख पा रहे हो, मैं एक साथ बना रही हूँ क्योंकि आपको एक साथ मिल जाए ये चैप्टर, तो और आप पार्ट वाइज भी देख सकते हो, पॉज करके भी देख सकते हो, स्पीड ज्यादा लग रही है तो स्लो करके देख सकते हो, स्लो लग रही है तो स्पीड कम करके देख सकते हो, इट्स योर ऑप्शन, आप पे सब कुछ फीचर्स दिए हुए उसको यूज करना है आपके हाथ में, तो अब रिफाइनिंग करेंगे हम लोग, तो रिफाइनिंग कैसे करेंगे, मेटल तो मिल गया, ऑक्साइड से रिडक्शन गए, अब रिडक्शन से आपको क्या मिल गया, रिडक्शन को मेटल मिल गया, अब मेटल को हम लोग करेंगे प्योर, जो हो जा रहा है इसको रिमूव करते रहे, अब हम लोग करेंगे रिफाइनिंग, इसको साफ बनाएंगे, साफ साफ करेंगे, एकदम प्योर बनाएंगे, किसको साफ करेंगे, मेटल को साफ करेंगे, तो मेटल को साफ करने का क्या तरीका, तो मेटल को साफ करने के तरीके में इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल में जाना है, तो उस प्रोसेस में हमारे पास है जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो क्लास 19 में तुम लोग पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का मेरा और एक वीडियो है उसको भी आप देख सकते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग दो टाइप का है, वेनार्कल प्रोसेस और मॉन्स प्रोसेस, यहाँ से एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि वेपर फेज रिफाइनिंग किस मेटल्स के लिए किया जाता है, मॉन्स प्रोसेस किस मेथड के लिए किया जाता है, तो आपको ये सभी देखना है, जोन रिफाइनिंग जर्मेनियम सिलिकॉन के लिए किया जाता है, जोन वाइज सेपरेट होता है, जोन वाइज स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल अलग हो जाता है, जोन में उसको कट किया जाता है, प्योर मेटल मिल जाएगा और इम्प्योरिटी अलग जोन में रह जाता है, तो जोन रिफाइनिंग हो गया, वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से हर करीबन 2-3 साल में एक बार तो क्वेश्चन वेपर फेज रिफाइनिंग से आ ही जाता है, उस वेपर फेज रिफाइनिंग में हम लोग एक रिएजेंट ऐड करते हैं, मान लीजिए आयोडीन, और इसका दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, वेपर फेज रिफाइनिंग के दो कंडीशन है, पहला कंडीशन मेटल वो रिएजेंट के साथ मिलके वोलाटाइल होना पड़ेगा, यानी मेटल रिएजेंट जो कॉम्प्लेक्स बना उसको वोलाटाइल होना पड़ेगा, यानी उड़ना पड़ेगा, वोलाटाइल होगा, और सेकेंड कंडीशन ये जो मेटल रिएजेंट वोलाटाइल बन के ऊपर गया उसको बाद में डिकम्पोज होना पड़ेगा, तो इसका थ्योरी आप बोलेंगे ये क्यों, तो ये थ्योरी ये था कि ये मेटल इम्प्योर था, इम्प्योर मेटल रिएजेंट के साथ मिलके मेटल रिएजेंट बना, फिर जब वो डिकम्पोज हुआ इम्प्योरिटी अलग रिएजेंट अलग प्योर मेटल अलग,
तो दो कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेगी. पहली कंडीशन ये कि मेटल मस्ट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद रिएजेंट एंड द रिएजेंट मस्ट बी मेटल रिएजेंट द मेटल ऑक्साइड मस्ट बी वोलाटाइल, उसको वोलाटाइल बनना पड़ेगा. द सेकेंड इज द वोलाटाइल कॉम्प्लेक्स मस्ट डिकम्पोज टू फॉर्म प्योर मेटल. तो दिस आर टू कंडीशन इन वेपर फेज रिफाइनिंग, दोनों पे ही लागू होगा. दे वेन एयर प्रोसेस किसके लिए करते हैं, जर्कोनियम टिटानियम और मॉन्स प्रोसेस हम लोग करते हैं निकल के लिए. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसमें एनोड में हम लोग इम्प्योर मेटल लेते हैं, कैथोड में प्योर मेटल लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चला के उसमें हम लोग एक प्योर मेटल कैथोड में डिपॉजिट होता रहेगा. एनोड मड में इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी डिपॉजिट होगी और प्योर सॉल्युबल इम्प्योरिटी इलेक्ट्रोलाइट में रह जाएगी. इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग और जोन रिफाइनिंग. और जो लास्ट है एलिंगम डायग्राम, जो आपके चैप्टर के मिडिल में है. एलिंगम डायग्राम आपका थर्मोडायनामिक पैरामीटर है. थर्मोडायनामिक पैरामीटर की आप कि ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है. तो एलिंगम डायग्राम क्या बताता है, एक बार में आप अगर समझेंगे तो इट टेल्स कि हम लोग एक मेटल ऑक्साइड से मेटल गए थे क्या करके, रिडक्शन करके. तो रिडक्शन कैसे करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट डाल के. तो एलिंगम डायग्राम हम लोग को बोलता है कि विच रिड्यूसिंग एजेंट इज बेटर फॉर अ मेटल ऑक्साइड. एक मेटल ऑक्साइड के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर है, एक ग्राफ को स्टडी करके हम लोग ये देखते हैं. तो इस ग्राफ को स्टडी करके हम लोग कैसे देखेंगे, इस ग्राफ को स्टडी करके हम लोग ये देखेंगे कि विच इज बेटर. तो यहां पे हम लोग ये वाला करते हैं. एलिंगम डायग्राम में थर्मोडायनामिक पैरामीटर आपको याद करवाते हैं, डेल एस दिस इज एंट्रोपी. एंट्रोपी में आपका अगर मेटल ऑक्साइड से मेटल जा रहा है, ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड से मेटल जा रहा है तो आपकी एंट्रोपी डेल एस रैंडमनेस कम जाएगा. रैंडमनेस कम जाएगा तो आपकी डेल एस क्या होगी, नेगेटिव. डेल एस सिस्टम की एंट्रोपी होगी नेगेटिव. डेल जी इस प्रोसेस में, ये जो भी प्रोसेस हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है. अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल जी नेगेटिव होगा. दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल जी इज नेगेटिव. डेल एस क्या है, नेगेटिव. दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, एक्सोथर्मिक यानी कोई भी चीज जुड़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव स्पॉन्टेनियस और डेल एस सिस्टम का नेगेटिव है, दैट इज रैंडमनेस कम रहा है, लेकिन डेल एस टोटल क्या है, पॉजिटिव. इन सबको एक रिएक्शन में बनाते हैं, डेल जी इज इक्वल टू डेल एस माइनस टी डेल एस. तो इस रिएक्शन को बनाने के बाद इस प्लॉट में दिया हुआ है आपका डेल जी वर्सेस टी डायग्राम दिया हुआ है. एलिंगम डायग्राम में डेल जी वर्सेस टी, डेल जी वर्सेस टी में ये वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. दिस इज वाई, टी इज योर एक्स. तो आपका इंटरसेप्ट हुआ डेल एच, इंटरसेप्ट और डेल एस हुआ आपका स्लोप. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो दिस इज सी, दिस इज एम एक्स. तो आप देखेंगे कि y और x में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव स्लोप. तो नेगेटिव स्लोप अगर आ रहा है यानी दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, और अगर ऊपर से नीचे जा रहा है डेल जी वर्सेस टी तो ये पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में नेगेटिव मीन्स नेगेटिव स्लोप. तो नेगेटिव स्लोप जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस, और ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस. यही आपका यहाँ इसी डायग्राम में दिया हुआ है कि कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन से नॉन स्पॉन्टेनियस है. कोई कोई ग्राफ में ऐसे करके अचानक से कट हो के रखा है, अचानक से कट हो गया. तो इस कट का मतलब है फेज डिफरेंस. मान लीजिए यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड गए हैं, तो सॉलिड से लिक्विड में जिस तरह जिस पॉइंट पर चेंज आ रहा है उस पॉइंट पे ऐसे कट. तो ये डायग्राम में सबसे पहले नेगेटिव पॉजिटिव का ग्राफ समझिए कि कौन सा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है. उसके बाद आपका कौन सा कट आ रहा है, जिस पॉइंट पे कट आ रहा है वो आपका फेज डिफरेंस है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. तो दैट इज अ फेज डिफरेंस.
नेक्स्ट इज कि आप कैसे देख के समझेंगे कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बेटर है किसके लिए. तो आपकी एक इजी सी बात कि आपकी मान लीजिए ये कुछ लाइन्स है, ये लाइन में मैं आपका एबीसीडी कर देती हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और लास्ट वाला डी. हम ये बोलेंगे कि जो सबसे ऊपर उसके लिए ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट बेटर, यानी ए के लिए बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जितना नीचे हो लाइन, तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज योर डी. इस लाइन के नीचे जो भी लाइन है वो इसके लिए सब सुटेबल है रिड्यूसिंग एजेंट. तो ए के लिए बेस्ट सुटेबल कौन है, बी सी डी, बी के लिए सुटेबल है सी डी, सी के लिए सुटेबल है डी, लेकिन डी के लिए कौन सुटेबल है, एक भी नहीं. लेकिन आप अगर ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को कंसीडर करें, तो इस टेम्परेचर में सी एक कट होके ऊपर चला गया, तो इस टेम्परेचर के बाद सी के लिए हम बोल रहे हैं कि इस टेम्परेचर के बाद सी cannot reduce A and B क्योंकि ये ऊपर चला गया. लेकिन बिफोर दिस टेम्परेचर, मान लीजिए ये टेम्परेचर टी नॉट समझ लीजिए, इस टेम्परेचर के पहले C can reduce A and B क्योंकि नीचे आ रहा है, रिड्यूस कर पा रहा है. लेकिन आफ्टर दिस लाइन, आफ्टर दिस टेम्परेचर, C चूंकि ऊपर चला गया, C cannot reduce A and B. तो आपको पहला चीज ये देखना है कौन ऊपर है कौन नीचे है. दूसरा आपको ये देखना है कि आपका कौन सा फिजिबल है, इकोनॉमिक कौन सा फिजिबल है. हम अगर ज्यादा टेम्परेचर पर कर रहे हैं तो वो मेरा इकोनॉमिकली फिट नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है. तो अगर इकोनॉमिकल नहीं है तो हम हाई टेम्परेचर पर किसी भी चीज को जाकर रिड्यूस कर नहीं कर सकते. हम लो टेम्परेचर पर देखेंगे कि कौन सा लाइन नीचे है. इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कौन सा है, वो आपका एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन है, उसको बड़े ध्यान से देखिए, नीचे को सॉल्व किया हुआ है, इस प्रोसेस को आप स्टडी कीजिए. कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए. मेरा इंस्टाग्राम फेसबुक लिंक सब दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं. आज के लिए इतना ही, बहुत देर मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब if you really like what I am telling you.